Hey guys, this is Resh and welcome to our channel Free Learn India. नमस्कार दोस्तों, फ्री लर्न इंडिया चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो कट ऑफ लगा है सेकंड राउंड का, जो टॉप कॉलेजेस है, जितने भी टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, उन सारे टॉप कॉलेजेस का जो कट ऑफ लगा है सेकंड राउंड का, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कल रात के वीडियो में कि जल्द से जल्द हम आपके लिए जो कट ऑफ का वीडियो होगा वो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आपके लिए कट ऑफ निकाले हैं, उन सारे कॉलेजेस का कट ऑफ, टॉप कॉलेजेस का कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के टॉप कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ के बारे में। उसके बाद दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं जो कॉलेज ऑफ एग्री इंजीनियरिंग है उसके बारे में। उसके बाद दोस्तों, थर्ड पॉइंट पर हम बताने वाले हैं जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, एक ही है जो गवर्नमेंट का परभणी में स्थित है, उसके बारे में। सो दोस्तों, चलिए आज की स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, बट दोस्तों, अगर आप लोगों को टॉप कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप लोग स्किप करके इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को विनती करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसे बीच में स्किप ना करें। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर हम लेने वाले हैं बीएससी एग्री के जो कॉलेजेस है, टॉप 5 कॉलेजेस हमने चूज़ किए उसके बारे में। सो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पर है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे। उसका दोस्तों एसटी कैटेगरी का जनरल में मेरिट लगा है 101.59। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में 107.11, ओपन कैटेगरी ओएस अदर स्टेट के लिए 107.34, एससी कैटेगरी जनरल में 109.005। उसके बाद दोस्तों विजय ए कैटेगरी जनरल में 112.66। उसके बाद दोस्तों ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए 116.95। उसके बाद दोस्तों एसईबीसी यानी कि जो मराठा कास्ट है उनको अगर जो रिजर्वेशन अवेलेबल किया गया है जो दूसरा एसईबीसी नाम से, तो दोस्तों उसका जो मिनट लगा है एसईबीसी जनरल का 118.19। सो दोस्तों एसईबीसी का अगर हम फर्स्ट राउंड का मिनट देखेंगे तो वो कुछ 118 पॉइंट समथिंग लगा था और सिर्फ पॉइंट से ही फर्क आया है एसईबीसी कास्ट के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने आप लोगों को बताया था कि जो मेरिट है वो कुछ पॉइंट से भी वेराई हो जाता है और कुछ कुछ क्वेश्चन में बहुत सारे मार्क्स से भी वेराई हो जाता है, बट दोस्तों ये सारा मेरिट आपके डिपेंड करता है आपकी जो कास्ट है, आपकी जो सब कैटेगरी है और आपका जो कोटा है, अगर महाराष्ट्र कोटा है या फिर यूनिवर्सिटी कोटा है, इन सारी चीज़ों पर उस कटअप कॉलेज का कटअप डिपेंड करता है। सो दोस्तों, उसके बाद ओपन का है जनरल कैटेगरी का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे का ही है। उसको दोस्तों ओपन कैटेगरी में कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुई है। सो दोस्तों, ओपन कैटेगरी का मेरिट नहीं आया है, जो फर्स्ट राउंड का मेरिट लगा था वही मेरिट ओपन कैटेगरी के लिए हम सेकंड राउंड में भी कंसीडर कर सकते हैं। सो दोस्तों, सेकंड नंबर पर हमने कॉलेज लिया है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कोल्हापुर में स्थित है, उसका हमने कट ऑफ लिया है। सो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले एसटी कैटेगरी जनरल में 96.82 का कट ऑफ लगा है। उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में 102.79। उसके बाद दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए जनरल में 103.55। उसके बाद दोस्तों विजय ए कैटेगरी जनरल में 107.54। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि विजय कैटेगरी का जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा लगा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि बाकी के जो कास्ट है उनका मेरिट कम आया है और विजय ए कास्ट का मेरिट ज़्यादा क्यों आया है, बट दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो विजय ए कास्ट है उसके लिए जो रिजर्वेशन है वो थोड़ा कम है और जो पहले सीट्स थी वो सारी सीट्स एक तो फिल हुई होगी और सारी सीट्स भर चुकी होगी। सो इसीलिए दोस्तों अगर कोई एक जगह अगर खाली होंगी तो जो हायर मार्क्स के स्टूडेंट्स है विजय कैटेगरी के उनके ही कॉलेज मिला है, इसीलिए दोस्तों इसका मेरिट बाकी कैटेगरी से लेकर ज़्यादा है। सो दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे ओपन कैटेगरी है अदर स्टेट के लिए, उसका मेरिट लगा है 112.57। उसके बाद दोस्तों ओबीसी कैटेगरी है जनरल में 113.90। एससीबीसी कैटेगरी है मराठा जनरल में 115.16। उसके बाद दोस्तों ओपन कैटेगरी है जनरल में 117.70। सो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दापोली के बारे में। उसका दोस्तों सबसे नीचे वाला जो मेरिट लगा है वो है ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी का 84.12, यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कैटेगरी है उसमें दोस्तों जनरल में उनका मेरिट आया है 84.12। दोस्तों उसके बाद है एससी कैटेगरी की जनरल का 90
93.05, उसके बाद विजय कैटेगरी का है जनरल का 93.56, उसके बाद एसटी कैटेगरी का है जनरल का 95.02, एसईबीसी कैटेगरी का है जनरल का 101.87, एनटीसी जनरल कैटेगरी 102.15, ओपन अदर स्टेट कोटा 102.56, उसके बाद दोस्तों ओबीसी जनरल कैटेगरी 104.57, उसके बाद दोस्तों फाइनल में ओपन कैटेगरी जनरल में 106.48। अभी दोस्तों हम जो मेरिट डिस्कस कर रहे हैं वो सारा का सारा मेरिट यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर आता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि जो महाराष्ट्र कोटा है उसके लिए सिर्फ 30% रिजर्वेशन होता है, 30% सीट्स रिजर्व होती है, और जो यूनिवर्सिटी कोटा है उसके लिए दोस्तों 70% सीट्स रिजर्व होती है। सो दोस्तों यूनिवर्सिटी कोटा और महाराष्ट्र कोटा का मेरिट थोड़ा बहुत चेंज होता है, किस तरह से आपको अपने हिसाब से मेरिट चेक कराएं उसके बारे में भी हम इस वीडियो को अंत में देखने वाले हैं। सो दोस्तों जो फोर्थ नंबर का कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का, हमने लिया है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर जो अकोला यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। सो दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इस कॉलेज का जो कट ऑफ है AWS जनरल कैटेगरी का 92.04 लगा है, उसके बाद दोस्तों एसटी कैटेगरी जनरल में 96.99 लगा है, एसईबीसी जनरल कैटेगरी में 98.79 लगा है, एससी कैटेगरी जनरल में 104.84 लगा है, उसके बाद दोस्तों वीजे ए कैटेगरी के लिए 105.25 लगा है, उसके बाद दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए जनरल में 105.86 लगा है, उसके बाद दोस्तों एनटीसी कैटेगरी के लिए जनरल में 106.60, एसईबीसी कैटेगरी के लिए जनरल में 109.69, और दोस्तों लास्ट में जो ओपन कैटेगरी है जनरल में उसको कोई भी सीट्स जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर में है उसमें अलॉट नहीं हुई है। सो दोस्तों इसीलिए जो फर्स्ट राउंड का कटअप होगा वही हम सेकंड राउंड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सो दोस्तों जो हमारा फोर्थ नंबर पर कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अकोला, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों एसटी कैटेगरी जनरल में उसका मेरिट लगा है 102.24, उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस के में लगा है जनरल में 102.55, उसके बाद दोस्तों ओपन में जनरल में लगा है 104.60 का, उसके बाद एसईबीसी जनरल में लगा है 104.63 का, उसके बाद दोस्तों एससी कैटेगरी जनरल में लगा है 105.93 का, उसके बाद दोस्तों एनटीसी कैटेगरी में जनरल में लगा है 108.58 का, और दोस्तों विजय कैटेगरी जनरल में लगा है 111.48 का, और लास्ट में दोस्तों ओबीसी कैटेगरी जनरल में लगा है 111.72, यानी कि 111.72। सो दोस्तों उसके बाद हम लास्ट में देखने वाले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर परभणी का, जो बीएससी एग्री का कॉलेज है उसका लास्ट का टॉप कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर परभणी, उसका हम कट ऑफ देखते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले दोस्तों एसटी कैटेगरी जनरल में लगा है 78.45, उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल में लगा है 94.99, उसके बाद दोस्तों ओपन कैटेगरी में लगा है 102.54, और दोस्तों एससी कैटेगरी में जनरल में लगा है 103.22। सो दोस्तों एनटीबी कैटेगरी जनरल में लगा है 103.82 का, ओबीसी कैटेगरी में जनरल में लगा है 106.27 का, ओपन कैटेगरी में जनरल में लगा है 107.15 का, उसके बाद दोस्तों लास्ट में एसईबीसी जनरल कैटेगरी के लिए लगा है 109.12 का। सो दोस्तों ये जो पांच कॉलेजेस थे जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया, जिन कॉलेजेस का हमने अभी कट ऑफ देखा है वो सारे कॉलेजेस बीएससी एग्री के थे, उन टॉप फाइव कॉलेजेस का हमने अभी कट ऑफ देखा है। अभी हम देखने वाले हैं जो बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के टॉप चार कॉलेजेस है, जो गवर्नमेंट के चार कॉलेजेस है उन चार कॉलेजेस का कट ऑफ हम अभी देखने वाले हैं। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर है डॉक्टर अन्ना साहेब शिंदे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रावड़ी के बारे में। सो दोस्तों इसका जो कटअप है हम अभी देखने वाले हैं, एससी कैटेगरी जनरल के लिए दोस्तों 99.03 का कटअप लगा है, उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जनरल के लिए दोस्तों 101.72 का कटअप लगा है, उसके बाद एनटीसी कैटेगरी के लिए जनरल में 110.01 का कटअप लगा है, यानी कि 110.01 का कटअप लगा है एनटीसी के लिए, उसके बाद दोस्तों ओपन कैटेगरी के लिए जनरल में 111.43 यानी कि 111.43 का जो कट ऑफ लगा है वो ओपन कैटेगरी में जनरल में लगा है। सो दोस्तों उसके बाद ओबीसी कैटेगरी जनरल का लगा है 111.66, उसके बाद ओपन कैटेगरी का अदर स्टेट का लगा है, ओपन कैटेगरी अदर स्टेट के लिए कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुए उस कॉलेज में, उसके बाद दोस्तों एसईबीसी जनरल कैटेगरी में भी कोई भी सीट्स अलॉट नहीं हुई है। सो दोस्तों एग्री इंजीनियरिंग और बीटेक का जो सेकंड टॉप कॉलेज है तो ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दापोली। सो दोस्तों इस कॉलेज का हम कट ऑफ देखते हैं। विजय कैटेगरी के लिए दोस्तों जनरल में 39.65 बहुत कम मेरिट आया है सीएटी दापोली का विजय कैटेगरी के लिए, उसके बाद दोस्तों एससी जनरल कैटेगरी के लिए 85.66, एनटीबी कैटेगरी के लिए जनरल के लिए 85.88 का लगा है,
उसके बाद दोस्तों एसटी कैटेगरी जनरल के लिए 89.28, ओबीसी जनरल के लिए 97.30, उसके बाद दोस्तों ओपन कैटेगरी अदर स्टेट के लिए 97.82 का कट ऑफ लगा है। यह सी बी सी कैटेगरी जनरल के लिए 98.23 का कट ऑफ लगा है। ओपन कैटेगरी जनरल में 103.70 का कट ऑफ लग चुका है। सो दोस्तों उसके बाद तीन नंबर का कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परभणी, यानी कि जो वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ है उसमें उसका जो गवर्नमेंट का कॉलेज है उस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में हम जानने वाले हैं। सो दोस्तों उस कॉलेज का जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस यानी कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 38.58, बहुत कम आया है। उसके बाद दोस्तों एसटी कैटेगरी की कैटेगरी जनरल का कट ऑफ है 48.06, एससी कैटेगरी जनरल में 85.68, उसके बाद दोस्तों एनटीबी कैटेगरी जनरल में 92.05, विजय कैटेगरी जनरल में 93.58, ओपन कैटेगरी अदर स्टेट के लिए 94.104, उसके बाद दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए जनरल में 97.48, एसएबीसी कैटेगरी के लिए दोस्तों जनरल में 103.49 और ओपन कैटेगरी के लिए जनरल में 106.16 का। सो दोस्तों कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परभणी का कुछ इस प्रकार कट ऑफ लगा है। अब हम देखेंगे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकोले का जो मेरिट लगा है उसके बारे में। सो दोस्तों ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में 45.29, उसके बाद दोस्तों ओपन अदर स्टेट कैटेगरी के लिए 92.96, एसटी जनरल कैटेगरी के लिए 96.24, एससीबीसी जनरल में 96.42, विजय जनरल में 101.03, एससी जनरल में 101.78, एनटीसी जनरल में 101.83, ओबीसी जनरल में 107.10 और ओपन जनरल में 107.64 का कट ऑफ लगा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकोले का। सो दोस्तों अभी हमने जो कॉलेज चार कॉलेज के बारे में चार कॉलेज के कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया वो सारे चारों के चारों कॉलेज बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के थे और उन कॉलेज के हमने बारे में हमने अभी देखा है। सो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है परभणी का जो गवर्नमेंट का कॉलेज है टॉप का कॉलेज परभणी में स्थित है उसके बारे में उसका हम कट ऑफ अब देखते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल में 90.98, उसके बाद दोस्तों ओबीसी जनरल में 98.95, एसबीसी कैटेगरी जनरल में 99.39, एससीबीसी कैटेगरी जनरल में एसएबीसी कैटेगरी जनरल में 99.39 ही लगा है। उसके बाद दोस्तों एनटीडी कैटेगरी जनरल में 103.92, ओपन कैटेगरी जनरल में दोस्तों 105.98, उसके बाद दोस्तों ओपन अदर स्टेट कोटा के लिए 101.96। सो दोस्तों अब तक हमने बी एस सी एग्री के बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस के जो टॉप कॉलेजेस है उनका कट ऑफ अब तक हमने देखा। सो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले वाले जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था उसका वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें पूछा था सर जो सब कैटेगरी है उनका मतलब क्या होता है, डबल एफ है उसका मतलब क्या है, पी ए पी है उसका मतलब क्या है। सो दोस्तों अभी उसके बारे में हम देखते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो डबल एफ है यानी कि एफ एफ अगर आपके सब कैटेगरी में आप देखते हैं तो उसका मतलब होता है जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके अगर कोई रिलेटिव है या फिर उनका अगर कोई बेटा या फिर बेटी हो उनके लिए एफ एफ कैटेगरी है उनके रिजर्वेशन के लिए। अगर आप एफ एफ कैटेगरी देखते हो तो उसका मतलब है फ्रीडम फाइटर। उसके बाद दोस्तों अगर आप पी ए पी कैटेगरी देखते हैं तो उसका मतलब है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। जितने भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है उनमें अगर कोई फैमिली अगर अफेक्टेड है उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स के कारण तो दोस्तों उनके लिए भी सीट्स रिजर्व होती है। सो दोस्तों पी ए पी के बारे में। उसके बाद दोस्तों और एक कैटेगरी होती है पी एच के पी एच करके उसका मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके उनके लिए भी रिजर्वेशन होता है तो सब कैटेगरी पी एच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप। उसके बाद दोस्तों डी पी होती है यानी कि इसका मतलब होता है डिफेंस पर्सन। अगर कोई डिफेंस में अगर किसी के पेरेंट्स ने अगर काम किया है उनके लिए एक कैटेगरी होती है। उसके बाद दोस्तों एजी कैटेगरी है, एजी यानी कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है अगर किसी के पेरेंट्स एग्रीकल्चर करते हैं अगर उन्होंने एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट अगर सबमिट किया है तो दोस्तों उनके लिए एक कैटेगरी होती है उनके लिए रिजर्वेशन होता है। सो दोस्तों एक कैटेगरी सिर्फ उन लोगों के लिए है। उसके बाद दोस्तों ओएस है, ओएस अगर सब कैटेगरी में आप ओएस देखते हैं तो दोस्तों जो ये कैटेगरी अदर स्टेट नाम से रिजर्व है। सो दोस्तों अगर आप और एक कैटेगरी है अगर आप ऑर्फन चिल्ड्रन अभी आप ओसे देखते हैं तो दोस्तों ये कैटेगरी ऑर्फन चिल्ड्रन नाम से है। अगर ऑर्फन चिल्ड्रन यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए भी सीट्स रिजर्व रहती है और उन्हीं के लिए ओसी कहा जाता है। सो दोस्तों इस प्रकार से कोई जो शॉर्ट फॉर्म थे सब कैटेगरी के लिए जो आप लोगों को आप लोग जानना चाहते थे, अभी आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें
समझ में आई होगी जो भी हमने कट ऑफ डिस्कशन किया है, और उसके बाद दोस्तों जो भी हमने सब कैटेगरी के बारे में डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आया होगा। अभी दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों को अपना जो कट ऑफ है किसी भी कॉलेज का कट ऑफ किस तरह से आप लोगों को चेक कराना है। सो दोस्तों चलिए मेरे मोबाइल स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, और वहाँ से दोस्तों आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने PDF डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो हमारा पिछला वीडियो एक बार जरूर देख ले, उसमें हमने आपको बताया कि आपको कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। सो दोस्तों डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अपलोड का, अगर आपने डाउनलोड किया है जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अपलोड 21 का नाम का एक PDF दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको जिस भी कॉलेज का कट ऑफ चेक करना है उस कॉलेज का जो कोड है, कॉलेज कोड है, वो आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे, उसका जो कॉलेज कोड है वो है 11101। सो दोस्तों यहाँ पर हम सर्च करेंगे 01। सो दोस्तों जब हम यहाँ पर सर्च करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सीट्स अलॉट हुए हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे के लिए, वो सारे के सारे सीट्स का आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर आपको पीछे से चेक करना है कि क्या मेरिट लगा है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको मेरिट चेक करने के लिए नीचे से आपको चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप पीछे क्लिक करेंगे तो आपका जो लास्ट रिजल्ट है उसके ऊपर आप चले जाएंगे। सो दोस्तों इस वाले रिजल्ट पर आने के बाद दोस्तों इसका जो जूम लेवल है थोड़ा सा कम कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो SC कैटेगरी का है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन और एग्रीकल्चरिस्ट का है, जो बहुत लोवेस्ट मेरिट आया है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे का, उसी कैटेगरी का आया है, और उसका सब कैटेगरी है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, इसीलिए दोस्तों उसका मेरिट बहुत कम आया है 44.84 का। सो दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों इसी तरह से आपको अपनी कैटेगरी यानी कि आपके जो भी कास्ट है उसके हिसाब से आपको चेक करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो स्पेशल कैटेगरी है यानी कि आप जनरल में आते हो या फिर फिजिकल हैंडीकैप में आते हो या फिर प्रोजेक्ट अफेक्टेड में आते हो या फिर एग्रीकल्चरिस्ट में आते हो, सो दोस्तों जिस भी कैटेगरी में सब कैटेगरी में स्पेशल कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी को आपको चेक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करना है यहाँ पर जो कोटा टाइप है, इस वाले पॉइंट पर आप देख लीजिए यहाँ पर जो कोटा टाइप है, यहाँ पर देखेंगे आप जो कोटा टाइप जो यू और एम होता है यानी कि जो यूनिवर्सिटी कोटा और महाराष्ट्र कोटा उसका मतलब होता है। सो दोस्तों आपको कोटा भी चेक करना है कि किस कोटे से क्या मेरिट आया है। सो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि SC कैटेगरी के लिए, अगर आपकी SC कैटेगरी है उसके बाद दोस्तों आप प्रोजेक्टर अफेक्टेड पर्सन में आते हो और AG कैटेगरी में आते हो यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट के कैटेगरी में आते हो, उसके बाद दोस्तों आपका जो यूनिवर्सिटी कोटा है वो यूनिवर्सिटी कोटे के अंडर हो तो आप दोस्तों आपका जो मेरिट है वो 44.84 लगा है। सो दोस्तों इसी तरह से आपको आपकी जो कैटेगरी है सब कैटेगरी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको मेरिट चेक करना है, आपको कट ऑफ चेक करना है, और आपको अपना जो कट ऑफ है आपके जो जिस भी कॉलेज का आपको कट ऑफ जानना है उस कॉलेज का कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपने आपको जिन भी कॉलेज के बारे में कट ऑफ जानना था किस तरह से आपको उसका कट ऑफ चेक करना है, और साथ ही साथ जो टॉप कॉलेजेस हमने चूज़ किए थे उनका कट ऑफ भी आपको पता चला होगा। सो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के कारण कोई मदद मिलती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों कट ऑफ के बारे में और भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमें आप हमारे जो बिजनेस व्हाट्सएप है उसके ऊपर भी आप पूछ सकते हैं। सो दोस्तों ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, इसलिए मैं आप सब लोगों की माफ़ी मांगता हूँ। बट दोस्तों अगर कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करना होगा और भी अगर हम कॉलेज लेना चाहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हमने आप लोगों को बताया कि किस तरह से कॉलेज का कट ऑफ चेक करना है। और दोस्तों हम फिर से माफ़ी मांगते हैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने के कारण। सो दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जो सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकॉन है उस बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आते हैं 3 ऑप्शन उसमें से ऑल ऑप्शन को चूज़ कीजिए। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारे अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं एग्री एडमिशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर में भी। और अगर आपका एडमिशन भी हो जाता है तो दोस्तों
अनसब्सक्राइब मत कीजिए, बिकॉज दोस्तों हम आपको बहुत सारे एग्री रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट से, जितने भी फ्यूचर्स से, जितने भी फ्यूचर में आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं उनके बारे में भी हम वीडियो आगे लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। So friends, in that case, stay tuned to Freedom India, and also don't forget to subscribe and press the bell icon so you will get our notifications of latest videos.